हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपने लास्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभिमन्यु जो है वो आजकल स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है, स्कूल की नर्सरी में जाता है, या पहले वो कहाँ जाता था, वो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, वही उसी टॉपिक पर मैं आज बात करने वाली हूँ। तो बस उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और अपने और फैमिली और फ्रेंड्स को सबको शेयर करना प्लीज। इस चैनल पर आपको यूके की एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ का घर किस तरह के हैं, यहाँ के घर यहाँ किस तरह का है, हम घूमने जाते हैं तो वो सारे व्लॉग्स उस तरह के, इवन हमारे फैमिली व्लॉग्स, अभी हम रिसेंटली इंडिया गए थे वो भी, और यहाँ हम जो भी अपनी लाइफ में फन करते हैं जिस तरह का भी है, तो वो थोड़ा वो सारा कुछ मैं आपको दिखाती हूँ टाइम टू टाइम। और अब जो वीडियोज़ आएंगी वो एजुकेशन से रिलेटेड आने वाली है पहले, और अभिमन्यु क्योंकि अब स्कूल जाता है और उस तरह से उसका स्टार्ट हो चुका है, तो जो जो हमारा एक्सपीरियंस है मैं उसी के बेस पे अब ये वाली वीडियो और ये सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ आपसे। तो बने रहो और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि एजुकेशन जो है, जो स्टार्ट करता है बच्चा, उसमें क्या है, यूके का क्या पैटर्न है। तो इसमें क्या है, एक तो ये है कि इसको दो चीज में डिवाइड करते हैं कि एक प्राइवेट नर्सरी या डे केयर और एक आप स्कूल नर्सरी। तो जो इनके दोनों के डिफरेंस जो है वो मैं अब बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करती हूँ एज ग्रुप की। तो जो आपका डे केयर होता है, जो प्राइवेट नर्सरी होता है, वो एक्सेप्ट करता है बच्चों को 6 वीक्स से लेके और 5 ईयर्स बाद, जब तक वो प्रॉपर स्कूल या जो भी है 5 ईयर्स तक वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो स्कूल नर्सरी होती है वो मोस्टली 2 साल के बाद ही, 2 से 3 साल, डिपेंड करता है। प्राइवेट और स्कूल नर्सरी में थोड़ा भी डिफरेंस हो सकता है एज ग्रुप का। कोई स्कूल ऐसा भी हो सकता है, स्कूल की नर्सरी जो 3 साल से बच्चे को एक्सेप्ट करे, और कोई प्राइवेट नर्सरी की भी, अगर जब मैं बात कर रही थी कि 6 वीक्स से, कोई और इससे जल्दी भी एक्सेप्ट करता है, और हो सकता है कि वो और 2-4 महीने बाद एक्सेप्ट करे कि नहीं, इस एज पे जब आपका बच्चा पहुंचेगा तब हम एक्सेप्ट करेंगे। तो वो आपको अपने एरिया में जहां आप रहते हो यूके में, वहां आपको चेक करना पड़ेगा उनके साथ में, नर्सरी के साथ में, और जाके आपको उनको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, और उस तरह से आप इस चीज़ को वो कर सकते हो। पर जो एक बेसिक है वो यही है एज ग्रुप में, कि जो प्राइवेट नर्सरी होती है वो 6 वीक्स से 5 ईयर्स तक बच्चों को एक्सेप्ट करती है, और जो स्कूल की नर्सरी होती है उसमें 2 to 3 ईयर्स ओल्ड के बीच वो एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो स्कूल की नर्सरी होती है उसमें टाइम जो होता है वो ओपन होती है 9 till 3, थोड़ा बहुत आगे भी हो सकता है, जैसे अभिमन्यु का 15 मिनट का इस पे डिफरेंस है, 15 मिनट्स का डिफरेंस है, अब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती आपको, बट इस तरह से है। तो वो आपका, जैसे मैंने अभी बताया, तो आपके एरिया में जिस तरह का भी स्कूल का उस टाइम टेबल, उसी हिसाब से आप छोड़ोगे। तो जो बेसिक है वो 9 till 3 है। लेकिन वहीं जो आपकी प्राइवेट नर्सरी होती है उसमें क्या है कि वो सुबह 7 से 6-7 के बीच ज़्यादातर नर्सरीज खुल जाती है, और रात के 6-7 बजे तक खुली रहती है, और मंडे टू सैटरडे होते हैं, जबकि स्कूल मंडे टू फ्राइडे खुलता है। तो एक ये चीज़ होगी। वेटिंग टाइम जो होता है ना वो ज़्यादा हो सकता है, और जैसे अभिमन्यु के केस में भी हमने 1.5 साल वेट किया, तब फिर वो 1.5 साल तक प्राइवेट वाली जो नर्सरी थी उसी में हम भेजते रहे। थोड़ी दूर पड़ती थी, ड्राइव करके जाना पड़ता था, और ये क्योंकि स्कूल की नर्सरी बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पर है, तो ये भी एक चीज़ थी हमारे लिए। और अब जब हमें इसमें मिला तो वही वेटिंग टाइम लंबा था, तो ये एक चीज़ थोड़ी सी वो हो सकती है कि आपको वेट करना पड़ता है। इसके साथ ही ऐसा, अगर लर्निंग्स की बात करूँ तो हमारे एक्सपीरियंस में तो लर्निंग्स वहाँ भी अच्छी थी, स्टाफ अच्छा था, और यहाँ भी अच्छा ही था। हाँ, एक चीज़ हमने जो देखी, जो मतलब अगर मैं बोलूँ कि हाँ, हमें जो लगा है कि वहाँ जो हम पे कर रहे थे, अगर मैं आपको पर रेट की बात करूँ तो वो एग्जैक्ट तो सबका सेम नहीं होता है, सबका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, प्राइवेट का तो खास तौर से। तो प्राइवेट में हम थोड़ा ज़्यादा पे कर रहे थे, और जो स्कूल वाली नर्सरी में अभी तक हम वो उससे थोड़ा कम पे कर रहे हैं, और अब हमें पे करना भी नहीं पड़ेगा। वो क्यों नहीं करना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आएगी,
क्योंकि जो यूके का जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, उसमें थोड़ा और चेंजेस हो रही है. जो फ्री वाले कुछ आवर्स मिलते हैं, क्या है, किस किस तरह से, क्या इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे, किस तरह से सारा प्रोसीजर है, वो हमने कैसे किया और आप भी कैसे कर सकते हो, और कितने जल्दी अब मिलने वाला है. तो वो कुछ चेंजेस हुए हैं आपके बच्चे की एज के हिसाब से भी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा. आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कर देना पसंद आई हो वीडियो, और बस अपना ध्यान रखें, खुश रहे, बाय.